एक्सट्रीम डाइट की वजह से दरअसल हाल ही में एक रूसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मौत हुई, आपने उनके बारे में सुना होगा, जाना सैमसोनोवा। सालों से सिर्फ कच्चा शाकाहारी फूड खा रही थी, यानी कि वो वीगन डाइट पर थी। याद रखिए उनके दोस्त का कहना है कि वो लंबे समय से कच्चे कटहल खा रही थी और उसे उन्हीं को खाकर जीवित थी। लंबे समय तक वीगन रॉ फूड डाइट पर रहने के चलते जाना में पोषण की इतनी कमी हो गई कि वो बीमार होने लगी और फिर ऐसी हालत में पहुंच गई कि उनकी मौत हो गई। अब आप जानिए कि वीगन डाइट क्या होती है, ये वीगन डाइट क्या है। आपने भारत के बड़े बड़े लोगों को वीगन डाइट के बारे में बात करते हुए या खुद के वीगन होने के बारे में और गर्व से बताते हुए उनको सुना होगा कि वो वीगन डाइट पर है। दरअसल वीगन डाइट क्या होती है, इनमें पशुओं और उनके जरिए तैयार किए गए उत्पाद जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दूध है, शहद है, पनीर है, मक्खन है, अंडे है, मांस का सेवन है, ये सब नहीं किया जाता है। आप दूध दही इत्यादि कुछ नहीं खाते हैं और इस डाइट में केवल फलीदार पौधे होते हैं, अनाज होता है, बीज होते हैं, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, ड्राई फ्रूट्स भी शामिल होते हैं। और ये वेजिटेरियन डाइट से थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि इसमें डेयरी के प्रोडक्ट्स होते नहीं, क्योंकि इसमें मनाही होती है। वीगन डाइट के बारे में बार बार कहा जाता है कि ये लंबे वक्त के लिए सही नहीं है क्योंकि इससे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। इसके बाद भी इसका चलन काफी ज्यादा बढ़ निकला, 3/4 महिलाएं वीगन डाइट को फॉलो कर रहे हैं। एक वर्ल्ड एनिमल फाउंडेशन है उसके मुताबिक फिलहाल दुनिया में 88 मिलियन लोग वीगन है, अब इनमें भी 3/4 तो महिलाएं हैं। हालांकि वीगन खाने के लाख प्रचार के बाद भी ये माना जाता है कि ये एक तरह की एक्सट्रीम डाइट है जिसे बहुत संभल कर और डॉक्टर्स की सलाह के बाद ही अपनाएं तो ठीक है। ज्यादातर लोग वजन कम करने के लिए खाने के नए नए तौर तरीके अपना रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित मेथड्स में से एक है जूस डाइट। इनमें सब्जियों और फलों का जूस ही पीना होता है। किसी खास कंडीशन में सुधार के लिए 3 से 5 दिनों तक लिया जाता है, लेकिन बहुत से लोग वजन घटाने के लिए लगातार लंबे समय तक इसे फॉलो करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें सोडियम, कैल्शियम से लेकर प्रोटीन और कार्ब सबकी कमी हो जाती है। इसे रॉ पैलियोलिथिक डाइट भी कहते हैं और कुछ आहार विशेषज्ञ ये दलील देते हैं कि ऐसा खाना प्राचीन काल में हमारे पुरखे खाते थे और काफी मजबूत भी हुआ करते थे, तो कुल मिलाकर ये खाना बिना आग के प्रिपेयर होता है। हालांकि इसके काफी सारे नुकसान भी हैं, जैसे कि कच्चा मीट या कच्ची सब्जियां कई बार जर्म्स लेकर आते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में वेल कार्नेल मेडिसिन के एक्सपर्ट, उन्होंने एक बार देखना चाहा कि किसी भी तरह की एक्सट्रीम डाइट से क्या किसी तरह से बॉडी में फर्क पड़ता है या लो कार्ब्स होती हैं, तो इससे शरीर में फैट से भी पहले ग्लाइकोजन खत्म होने लगता है। ये लीवर और मसल्स में जमा होता है, इसमें ज्यादा मात्रा में पानी होता है, तो जैसे ये ग्लाइकोजन सूखता है पानी भी सूखने लगता है और इसे 3 दिनों के भीतर ही इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है कि कई बार अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाती है। जब हम धीरे धीरे वजन कम करते हैं तो शरीर से 75% फैट जबकि 25% पानी और मसल लॉस होता है। एक्सट्रीम डाइट में इसका उल्टा ही होता है, यहाँ तक कि कई बार मसल लॉस के कारण मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसका सीधा असर आपके मकसद पर पड़ता है, यानी कि हम जितना भी चलें फिरें दौड़ें कैलोरीज बर्न होना घट जाता है और इसके बाद जब हम नॉर्मल खाने पर आते हैं ब्रेन स्लो हो चुके इस मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्ब्स लेने के लिए उकसाता है और नतीजा ये होता है कि जो भी वजन घटा हो उससे कहीं ज्यादा वजन बढ़ जाता है।